राधे जय राधे राधे श्री राधे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा राजवंशी ब्लॉग। एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो इससे पहले मतलब ब्लॉग अभी एंड किया जिसमें पारण वगैरह सब कुछ कर लिए थे, अपना निर्जला जो व्रत किए हुए थे वो पारण करके मतलब तोड़े। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जैसे आज क्या होता है ना, पारण वाले दिन पूरा एकदम जैसे बोलते हैं 56 भोग बनना, एक तरह से उस तरीके से मतलब बहुत सारा चीज़ बनता है। तो सोचे वो भी शेयर करें और आपको दिखाएं कि क्या क्या बन रहा है। तो और सब चीज़ खोल दिए, मतलब कपड़ा बहुत भारी था इसलिए ये वाला सूट पहन लिए और चूड़ा भी ये वाला पहन लिए क्योंकि वो भी बहुत हैवी चूड़ा था। और ईयरिंग्स वगैरह नहीं खोले हैं, वहीं पहने हुए हैं। तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या बना रहे हैं हम लोग और क्या कैसे करते हैं, खाते हैं पीते हैं। चलिए सो गाइस, यहाँ पे बनाने वाले थे ये छोले का सब्जी, देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है बनाने पे, मतलब इसका सब्जी। और यहाँ पे ये लहसुन और यहाँ मिर्च रखा हुआ था मसाला पीसने के लिए। तो सबसे पहले सोचे कि हम मसाला पीस लें क्या, क्योंकि लाइट कट जाता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि फिर पीसने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग एक बार रख देते हैं। तो पहले तो यहाँ हम चाय बना के और अपनी सासू माँ को दे दिए कि पहले आप चाय पी लीजिए, उसके बाद हम जो मसाला था उसको पीस लिए, क्योंकि मसाला एक बार पीस के रखा जाता है ना तो किसी चीज़ में लेट नहीं होता, सब्जी वब्जी बनने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत सारा लहसुन और मिर्च पीस लिए क्योंकि बहुत सारा चीज़ बनने वाला था, वो आपको आगे देखने मिलेगा कि क्या क्या, और सब कुछ शेयर भी किए हैं कि कैसे बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले मसाला पीस लिए। और हम लोग जैसे सुबह में खा चुके थे फल और मिठाई, हाँ पानी जो आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, जो लोग नहीं देखे हैं पिछला ब्लॉग वो देख लीजिए, बहुत अच्छा था कैसे हमारे तरफ पारण होता है वो उसमें शेयर किए हुए हैं। फिर यहाँ पे अपने ससुर जी के लिए भी यहाँ चाय बना रहे थे, उसके बाद हम यहाँ प्याज कट कर रहे थे सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि सोचे कि हम लोग अपना जो खुद का है बाद में बनाएंगे, पहले हम ससुर जी और पतिदेव जाने वाले थे ऑफिस तो उनके लिए नाश्ता बना के दे देते हैं पहले, नहीं तो फिर लेट हो जाता। ऐसे ही हम लोग बहुत लेट हो चुके थे तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जल्दी जल्दी ले जाने के लिए लंच का तैयारी करने लगे थे। तो सबसे पहले यहाँ बना रहे थे छोले का सब्जी, जो आपको हम दिखाएं, जिसको हम मटर भी बोलते हैं, जिसके छोले बनते हैं वहीं। तो इसका सब्जी बहुत अच्छा लगता है खाने में भी, और इसको चाट भी बना के खा सकते हो इस तरीके से भी, तो अच्छा लगता है खाने में। तो आज हम लोग सोचे कि चना नहीं बनाते हैं, आज मटर ही बनाते हैं, कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि चना हम अक्सर खाते रहते हैं जब मन करता है, और मटर कभी कभी हम बनाते हैं। तो आज सोचे कि हम यही छोले का सब्जी बनाते हैं और खाते हैं आराम से। और देख सकते हैं मेरा लुक एकदम अच्छा अजीब सा लग रहा है ना, गजरा इधर से निकल गया है इस तरीके से, तो इसलिए अजीब लग रहा है, खुल गया है गजरा, लगाए थे जैसे पीछे दोनों तरफ तो ऐसे हो गया है। तो फिर हम यहाँ पे जल्दी जल्दी से सब्जी बना रहे थे और खाने में टेस्टी बना था, जैसे चावल में भी ये वाला अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए देखिए और क्या क्या बनाए थे। फिर यहाँ हम ये प्याज फ्राई कर रहे थे और लेट भी हो रहा था, तो इसलिए सासू माँ से बोले कि आप थोड़ा आटा सान दीजिए, ऐसे हम नहीं बोलते, मेरे को अच्छा नहीं लगता, बट आज लेट हो रहा था नाश्ता के लिए। अभी आप लोगों को पता है कि लेट हो गया है और मेरे पतिदेव और ससुर जी को जाना है ऑफिस, तो हम पहले तो मटर का सब्जी बना दे रहे हैं और पूड़ी बना दे रहे हैं और पकौड़ी बना दे रहे हैं कि लेके चले जाए लोग, उसके बाद हम लोग जो भी बनेगा पकवान हम आपको दिखाएँगे कि क्या क्या बन रहा है। फिर यहाँ काम करते करते हम लोग कुछ कुछ बातें भी कर रहे थे, और याद नहीं क्या बातें कर रहे थे, बट हाँ कर रहे थे, यहाँ पे कुछ देख रहे थे हम लोग मोबाइल में। और यहाँ पे सब्जी मेरा लगभग तैयार हो ही गया था, पूरा तैयार नहीं हुआ था बट तैयार हो ही गया था। यहाँ पे फ्राई हो चुका था आलू डाल के, हम फ्राई कर चुके थे इतना सब कुछ डाले थे, आलू टमाटर प्याज जो भी होता है सब कुछ। यहाँ पूड़ी बनने के लिए तैयारी चल रहा था, तो यहाँ सासू माँ जल्दी जल्दी से पूड़ी बना रही थी नाश्ता वास्ता देने के बाद, अभी लोगों को भेजने का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अभी यहाँ पे पूड़ी बन रहा है, इधर हम सब्जी बना दे रहे हैं और चटनी हम लोग बना के दे देंगे।
तो यहाँ पे पूड़ी बनने का तैयारी हो रहा था और देख सकते हैं पूड़ी छान रहे थे लोग जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट से। और जल्दबाजी में अजीब होता है, कोई चीज़ ठीक से बनता ही नहीं है, मतलब अगर हड़बड़ी हो आपको तो। फिर भी हम लोग नाश्ता मतलब बना के दे दिए थे, वैसे लोग बाहर भी खा लेते बट अच्छा नहीं लगता कि घर में पकवान बन रहा है और मतलब घर के हम लोग खाएँ और जो सदस्य हैं और नहीं खाएँ तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले सोचे कि बना के दे देते हैं, फिर और भी जो जो पकवान होगा वो बनाएंगे। आगे आप वीडियो में देखिएगा, बहुत सारा चीज़ बनाए थे हम लोग, तो वो भी देखिएगा। और यहाँ पे सब्जी मेरा रेडी हो गया था, उधर सासू में जल्दी जल्दी से पूड़ी छान ली थी इसलिए और जल्दी हो गया, अगर मतलब अकेले हम करते तो शायद लेट हो जाता, बट यहाँ पे छनने की वजह से लेट नहीं हुआ। तो मेरा सब्जी तो बन चुका था, सासू माँ उधर पूड़ी छान रही थी, तब तक सोचे कि ये उड़द दाल जो है हम इसको पीस देते हैं क्योंकि बनने वाला था दही बड़ा। हाँ जी, मेरे को बहुत पसंद है दही बड़ा, तो वो बनने वाला था, तो इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से ये पूरा पानी से छान के और जा रहे थे पीसने के लिए इसको, ताकि पीस दें और जल्दी से बन जाए। तो यहाँ ये पिसा चुका था, फिर पीसना था ये दाल जो बनने वाला था, क्या जो होता है कढ़ी बरी जो बोलते हैं उसको, और फिर ये चना का पकौड़ी बनने वाला था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं रखा हुआ है। तो पहले तो हम वो पीस चुके थे, वो यहाँ पे खाली करके फिर बनने वाला मतलब वो पिसाने वाला था अलग से। तब तक हम दिखा देते हैं आपको सब्जी, जो हम सब्जी बनाए हैं वो वैसे खाली हो गया है क्योंकि वो लोग को लंच दिला चुका है, वो लोग खा के जा चुके हैं तो दिखाना भूल गए, इसलिए अभी कैप्चर कर रहे हैं। फिर यहाँ पकौड़ी का तैयारी हो रहा था, यहाँ जो जो मतलब सब प्याज चना जो जो है सब कुछ मसाला वगैरह डाल के, और इसका बहुत ही अच्छा पकौड़ी मतलब लगता है। और पारण वाले दिन इसी से मतलब सब कुछ खाने के बाद उसके बाद यहीं खाया जाता है पकौड़ी बना के इस तरीके से, और बहुत टेस्टी लगता है खाने में भी। बहुत चीज बनाना है, अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। अभी क्या क्या बनाना है माँ? दही बड़ा बनाना है, पनीर सब्जी बना, छोला मटोरा बना, पूड़ी बना, चटनी बना, हम लोग टिफिन में दे दिए। अब उसके बाद पकौड़ी बनेगा, बन रहा है दही बड़ा बनेगा, कढ़ी बड़ी बनेगा, ये बहुत चीज बनाना है, सब बनाना बाकी है। अभी पकौड़ी से शुरू हुआ है, ड्यूटी था इसीलिए हम लोग हल्दी जल्दी फिर भी दो सब्जी बना दिए, छोला मटोरा बनाए, चटनी बनाए, एक पनीर था, पनीर था। हाँ। पनीर हम लोग लंच में दे दिए और यहाँ खिला दिए, और इतना बचा भी लिए। सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं खाने, ये कि पूड़ी पनीर का सब्जी हो गया, छोले का सब्जी बन गया है, और पकौड़ी और चटनी और भुजिया आलू का। हाँ, क्योंकि ढेर सारा चीज़ अभी बनाना है। सो गाइज़, पहले हम लोग सोचे कि नाश्ता कर लेते हैं, पूड़ी वगैरह बन चुका है तो, क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा बनाने में, अभी सब कुछ बनाना है तो। और ये बन चुका था तो सोचे कि हम लोग खा ही लेते हैं। सो गाइज़, अब बनने जा रहा है यहाँ दही बड़ा, देख सकते हैं, बड़ी बोलते हैं इसको, बड़ी बोलते हैं ना, बड़ा दही बड़ा। ओह हाँ, दही बड़ा है ये, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बारी, हाँ उसको बारी बोलते हैं। देखिए इस तरीके से, ये हम लोग एक पीस अगर हम लोग खरीद के खाते हैं, आठ का देता है ना, दस का देता है एक पीस, वो भी यहाँ पे, और हम लोग जो वो वाले मार्केट से लेके आए थे एक ठो 15 रुपये का था, हाँ बड़ा था, थोड़ा सा साइज में बड़ा था। तो इसका एक ये बेनिफिट रहता है, ये सूखा में भी अच्छा लगता है। माँ ऐसे बनाती है,
हाथ पकड़ के बड़ा बड़ा बनाते हैं, मतलब मेरी सासू माँ की सासू माँ। बहुत अच्छा बात है। हाँ हम लोगों से तो नहीं आएगा, फिर भी बनाते माँ बहुत अच्छा। माँ जैसा कोई चीज़ हम लोग नहीं बनाते। चिकन चिकन बना लेते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा कहाँ की प्लेट बनाते हैं हम लोग, हमसे नहीं होता। सो इस तरीके से फ्राई करके फिर बन जाएगा। हाँ मसाला पाउडर लगा, दही में जीरा पाउडर, मिर्चा, हाँ लाल वाला मिर्चा जो होता है। तो वो इस ये सब का बनेगा ऐसा, तो चलिए बनने के बाद दिखाएंगे है ना माँ। हाँ सब बनने के बाद एक ही बार दिखा देंगे। तो ये है बैटर जो है, ये बरी के लिए है, कढ़ी बरी के लिए। तो ये भी बनने वाला है, तो बनने के बाद आपको अच्छे से दिखाएंगे। दही में इसको अच्छा बनता है। नहीं तो हाँ नहीं तो ये खत्म हो जाता है, नहीं रहता है सब अपना ले ही के आ गए थे। हाँ दही तो है ही का। अच्छा लग रहा ना, ये लाल हो रहा। तो चलिए बनने के बाद एक ही बार आपको। सो गाइस यहाँ पे देखिए बरी बन रहा है, जो कढ़ी बरी के लिए बनता है वो, और यहाँ पे ये दही। हाँ और ये करी पत्ता छौंकने के लिए, तो वो यहाँ बन रहा है। और बनने के बाद अच्छा सा आपको लुक दिखा देंगे कि कैसा लग रहा है। और यहाँ जो यहाँ दही बड़ा बनने वाला है वो यहाँ फूलने के लिए पानी में डला चुके हैं, उसके बाद दही वाला जो बनता है उसमें डलाएगा। सो गाइस यहाँ कढ़ी बरी देखिए बन चुका है। और अब गर्मा गर्म चावल के साथ आप खा सकते हो, हम भी लोग खाएंगे। और ये अभी दही में डलाएगा, फूल ही गया है, अब जैसे जैसे खाते जाएंगे खाएगा इंसान वैसे डलते जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दही बड़ा भी दही में डला चुका है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग भी बताइएगा कि आपको खाने में कैसा लगता है, और इतना सारा चीज़ हम लोग बनाएं और खाएं। तो अभी हम जा रहे थे चावल खाने के लिए, तो वहीं यहाँ पे सब कुछ निकाल रहे, देख सकते हैं कढ़ी बरी जो होता है वो भी बन चुका है, दही बड़ा भी बन चुका है, और पकौड़ी वगैरह दिखाए हैं, बचका वगैरह का सूट नहीं किए हैं वो सब भी बन चुका था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पारण वाले दिन खाएं खूब। कितना अच्छा लगता है ना ये छन छन इस तरीके से बसता है। तो और इस बार का आप बताइएगा बिछिया आपको कैसा लगा। हम ऐसा लिए थे ना कि जो डेली पहन पाए, देख सकते हैं ये बिछिया। मेरे को ये ना सूखा बरी बहुत अच्छा लगता है, तो सासू माँ दी हैं कि लो खा लो, देख सकते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सो गाइस बन गया पूरा पकवान देखिए आप लोग। तो इस तरीके से भोग बोलते हैं, छप्पन भोग बनना, छप्पन तो नहीं हो पाता बट हाँ वैसा हो ही जाता है, मिठाई वगैरह सब कुछ लेके। तो इस तरीके से पारण कर लिया जाता है और खाया पिया जाता है आराम से। तो आप बताइएगा आपके तरफ तीज कैसे होता है। बहुत जगहों पे अलग अलग तरीके का होता है, बहुत जगहों पे क्या होता है कि जो हम लोग आज सिंगार का सब कुछ दिए दान, वो तीज वाले दिन ही हो जाता है, बट हमारे घर पारण वाले दिन होता है, तो ऐसा होता है। जा रहे हैं कान का खोलने, दर्द दे रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छे से हम कान का भी नहीं दिखा पाए, पूरे हमें उलझा हुआ है। तो ये भी लुक कैसा लग रहा है बताइएगा, ये लुक तो क्या है, सिंपल ही। तो चलिए, और आज है गणेश चतुर्थी, तो यहाँ रहे हमारे गणेश जी। तो गणपति बप्पा मोरिया, तो गणेश जी का मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कैसे लग रहे हैं मेरे गणेश जी बताइएगा। हमेशा यहीं रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहीं पर रहते हैं। तो और आज गणेश चतुर्थी है, यहाँ मेला भी लगता है जमशेदपुर में बहुत अच्छा, अगर हम जा पाए तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे जैसे पिछले बार किए थे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, लाइक करिएगा चैनल को, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करिएगा। बाय।